नागपुर के यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत हथियारों से दर्जनों वाहनों की तोड़फोड़ करने वाले पांच बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल करने वाले हथियार और गाड़ियां जब्त की है। यशोधरा नगर में कुछ बदमाशों ने वाहनों की तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया। करीब 18 वाहनों की बदमाशों ने तोड़फोड़ की, जिसमें किसी वाहन का कांच फोड़ा तो किसी का हैंडल तोड़ा तो किसी के पुर्जे निकाले गए। पुलिस ने इन मामलों में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके पास से हथियार और उनकी गाड़ियां जब्त की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुरुवार रात 10:30 बजे करीब 9 युवक 3 मोटरसाइकिल पर ट्रिपल सीट थे पंचवटी नगर, धम्मदीप नगर और इंदिरा माता नगर में हथियारों से वाहनों की तोड़फोड़ की। करीब 1 घंटे तक बदमाशों का आतंक जारी रहा। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बदमाश गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हुए गाली गलौज कर रहे थे और उन्हें स्थानीय लोगों को घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची, जबकि यशोधरा पुलिस स्टेशन घटनास्थल से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बदमाशों ने किस तरह वाहनों की तोड़फोड़ की है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार और गाड़ी जब्त की है। साथ ही मामले की जांच जारी है। बदमाशों ने वाहनों की तोड़फोड़ क्यों की, इसकी पुलिस जांच करी है। अभी ऐसा मतलब परफेक्ट अभी ऐसा कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट किस कारणवश ये हादसा हो गया, लेकिन सुनने के लिए आ रहा है कि कलमना पुलिस स्टेशन के हद में गुलशन नगर है, गुलशन नगर में अवैध तरीके से वहाँ पर जुआ चल रहा था, वो जुए के कारण ये हादसा हुआ ऐसा सामने नजर आया। धम्मदीप नगर में टोटल 18 गाड़ियों की तोड़फोड़ हो गई है, उसमें 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स का भी समावेश है और वंदेवी नगर में 4 मोटरसाइकिलों की तोड़फोड़ हुई है। फिलहाल हम लोगों ने जो कंप्लेंट लिए है, कंप्लेंट के मुताबिक और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक हम लोगों ने फिलहाल मतलब जो दिख रहे हैं वो कुल 6 आरोपी नज़र आ रहे हैं, उसमें से 4 आरोपी को हम लोगों ने अभी ताबे में लिया हुआ है, आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।